हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो लड़कियों और लेडीज़ के लिए बहुत ही काम की है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि कुछ मिस ना हो। तो चलिए वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पहली ट्रिक यहाँ पर मैं लेके आई हूँ हमारे पर्स को लेकर। यूज करते करते ये इतने पुराने हो जाते हैं कि हमको याद ही नहीं रहता है कि इसको साफ करें। तो आज मैं आपको इसे साफ करने का तरीका सिर्फ एक मिनट में या यूं बोलूँ कुछ सेकंड में ही बताऊंगी। तो आपको करना क्या है, एक थोड़ा सा वेसलिन लेना है और अपने पर्स पे थोड़ा सा अप्लाई कर देना है, कॉटन या कोई कपड़ा के हेल्प से उसको सब जगह अच्छे से फैला के पोंछ देना है। फिर देखिएगा आपका पर्स एकदम चमकने लगेगा नया की तरह। मैं आपको वेसलिन एक साइड में लगा के दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप कोई भी पर्स ले सकती हैं या हैंड बैग या जो हम साइड में बैग टांगते हैं, कोई भी बैग हो जो भी आप यूज करती हो। तो देखिए सामने का पोर्शन कितना नया जैसा लग रहा है और वहीं दूसरे साइड कितना पुराना जैसा लग रहा है। तो आप भी इस ट्रिक को यूज करके अपने पर्स को नया बना सकती हैं बिना कोई खर्च किए। दोस्तों, हम सबको मार्केट में कच्चे और पक्के दोनों तरह के टमाटर देखने को मिलते हैं। पके हुए टमाटर थोड़ा सा लाल होता है और वो थोड़े महंगे होते हैं, और जो इस तरीके के होते हैं, मतलब थोड़े जो कच्चे होते हैं, वो थोड़े सस्ते होते हैं। तो अक्सर क्या होता है, कई लोग कच्चे ले आते हैं लेकिन उसको पकाने का तरीका उनको मालूम नहीं होता है। पहला तरीका यह है कि आप इसको कच्चे टमाटर को आटे के डब्बे में डालकर रात भर के लिए छोड़ देंगे तो ये पक जाएगा। लेकिन अगर आपको आटे के डब्बे में डालकर इसको नहीं पकाना है तो सबसे पहले उसको अलग कर लीजिए जो थोड़े कच्चे हो। सारे टमाटर को हम अलग कर लेंगे जो थोड़ा देखने में कच्चा है। हमें एक न्यूज़पेपर लेना है और उसे डबल करके डब्बे के अंदर बिछा देना है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम केवल न्यूज़पेपर का ही यूज करेंगे, उसके बाद हम कच्चे हुए टमाटर को डब्बे में रख देंगे। हम यहाँ न्यूज़पेपर का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर एक प्रकार की हीट पैदा होती है, जिससे हमारी कच्ची सब्जियाँ हो या फल हो आसानी से पक जाती है। टमाटर को रखने के बाद हम ऊपर से भी न्यूज़पेपर को बिछा लेंगे। रखने के बाद उसके ऊपर से हम एक रबर बैंड लगा देंगे, जो मिठाई के डब्बों में अक्सर आते रहते हैं हमारे घरों में। अगर आप कच्चे टमाटर को इस तरीके से रखेंगे तो टमाटर बहुत जल्दी लाल हो जाएंगे। अब अगला टिप है नींबू को लेकर। गर्मी हो या सर्दी हो, नींबू की ज़रूरत तो हमें पड़ती है, चाहे वो सलाद में हो या कोई भी खाना में डालना हो। लेकिन जब भी हम मार्केट से नींबू ले आते हैं, ख़राब बहुत जल्दी होने लगते हैं। आपने देखा होगा उसमें काले काले दाग होने लगते हैं, नींबू सड़ने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे नींबू सड़ेंगे नहीं और दाग धब्बे भी नहीं होंगे उसमें। प्लास्टिक में रखने से अच्छा है अगर हम नींबू को न्यूज़पेपर में एक एक करके लपेट के रखेंगे तो नींबू खराब नहीं होंगे। देखिए, मैं यहाँ सारे नींबू को छोटे छोटे न्यूज़पेपर में लपेट के रख रही हूँ। अब इसे आप कोई भी प्लास्टिक बैग हो या कोई भी डब्बा हो उसमें रख कर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, और टाइम टू टाइम इसका पेपर भी चेंज करते रहेंगे तो नींबू का ख़राब होने का चांस 80-90% तक कम हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अगली यूजफुल टिप की तरफ। दोस्तों, हमारे पास जब घर में कैंची होती है तो आपने देखा होगा कि जब कैंची बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो वो अटकने लगती है या उसके बीच में जंक लग जाता है, या कई बार हम जब नया कैंची ले आते हैं तो वो भी बीच में अटकने लगती है। तो इसको दूर करने के लिए हम आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ। तो आपको करना क्या है, आपके पास कोई भी ऑयल हो या वैसलीन हो आप उसे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ वैसलीन को लेकर कैंची के उस वाली पोर्शन में लगा रही हूँ जहाँ पर कैंची बार बार अटकती है। तो मैं यहाँ वैसलीन को अच्छे से लगा देती हूँ ताकि अच्छे से अंदर तक चली जाए। और देखिए, मैं एक कॉटन के हेल्प से इसे साफ करके भी दिखाऊंगी आपको कि कितने अच्छे तरीके से साफ हो जाते हैं, हमारी कैंची भी अच्छे से काम करने लगेगी उसके बाद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से साफ करने के बाद इसमें से कितने सारे जंग निकल रहे हैं और हमारी कैंची भी अच्छे से काम भी करने लगेगी इस तरीके से अगर आप साफ करेंगे तो। आप भी इसे टाइम टू टाइम इसकी ग्लिसरिन भी करते रहेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं अटकेगी और जंग भी नहीं लगेगा। जो हमारे घरों में पुराने कैंची पड़ी रहती हैं उसे अगर आप इस तरीके से साफ करेंगे तो वो काम भी करने लगेगी और नया जैसा एकदम चमकने लगेगी। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अब अगला और लास्ट टिप है हमारे किचन में रखे तेल के बोतल को लेके। जब भी हम कोई भी सब्जी में तेल डालते हैं उसके बाद हम बोतल में ढक्कन लगा के रख देते हैं। हम चाहें जितने भी अच्छे से उसका कैप बंद करें, उसमें से थोड़ा थोड़ा तेल बाहर की तरफ आकर बोतल को गंदा कर देता है। उसके लिए हम बोतल में मोजा को पहना के रख सकते हैं या बोतल के ऊपर एक रबर बैंड लगा देंगे जो थोड़ा मोटा वाला होता है। इससे क्या होगा, हम जब भी तेल को यूज करेंगे उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत तेल होगा वहीं पर आकर रुक जाएगा। इससे हमारी बोतल कभी भी चिपचिपी नहीं होगी और हमारा बोतल देखने में भी साफ लगेगा। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।